So hello guys and welcome back to your channel Anurag Conceptuals. So guys, this is the part 7 of the communication series. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं barriers to communication. Barriers to communication के क्या मतलब होता है कि कभी कभार जो real message होता है ना sender का, वो receiver के पास नहीं पहुंच पाता, और इसी filtration और इसी misrepresentation of communication को हम लोग बोलते हैं barriers to the effective communication. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन यहाँ पर बैरियर्स की वजह से अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है. समटाइम्स द मैसेज सेंट बाय द सेंडर डज नॉट रीच द रिसीवर इन द सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर. दिस फिल्ट्रेशन मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग. और जो फिल्ट्रेशन होती है ना कम्युनिकेशन के बीच में, या फिर जो मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, इसी वजह से कम्युनिकेशन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज हो जाती है. The barriers to the communication may be grouped into the following categories. जितने भी barriers to communication है, उन सबको चार categories में categorize किया जा सकता है, जो कि है semantic barriers, psychological barriers, organizational barriers and then personal barriers. सबको एक एक करके discuss करते हैं, जिसमें सबसे पहले बारी आती है semantic barriers की. Sometimes the same words and the sentences can be understood differently by the different people in the organization, which means difference in the understanding levels of the employees. कभी कभार क्या होता है, जो सेम वर्ड्स और सेम सेंटेंसेस होते हैं, वो दूसरे लोगों द्वारा अलग तरीके से सोच लिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन मैनेजर ने ये बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाया जाएगा. अब इस सेंटेंस से होगा क्या, जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होंगे वो समझेंगे कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही है. ऑन द अदर एंड, बाकी के मैनेजर्स ये सोच रहे होंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक एक्सपेंसिव मशीनरी परचेज की जाएगी या फिर एक एक्सपेंसिव एसेट परचेज किया जाएगा. सो ये जो थिंकिंग में डिफरेंस होता है, इन्हीं थिंकिंग के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर. अब सिमेंटिक बैरियर्स किन किन कारणों से हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि सिमेंटिक बैरियर्स किस तरीके के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज. कभी कभार क्या होता है कि वोकैबुलरी की कमी होने की वजह से मैनेजर कभी कभार रॉन्ग वर्ड यूज कर लेते हैं, या फिर जो वर्ड चाहिए होता है उस वर्ड को ऑमिट कर लेते हैं. बोलते हैं ना, जो जरूरी वर्ड होता है वही खा गए तो बाकी की बातचीत का मतलब ही क्या. तो ऐसी ही चीज को हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर. नेक्स्ट इज सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग. बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो बोलने में तो सेम लगते हैं, लेकिन जो उनका मीनिंग होता है वो बहुत अलग अलग होता है. जैसे कि प्राइस और प्राइस, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, राइट और राइट, एक्सेट्रा. तो ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स में कहीं ना कहीं जाकर डिफरेंस क्रिएट कर ही देते हैं. नेक्स्ट इज फॉल्टी ट्रांसलेशंस. कभी कभार क्या होता है कि मीटिंग्स में मैनेजर ने ऐसा वर्ड यूज कर लिया या फिर ऐसा सेंटेंस यूज कर लिया जो कि एम्प्लॉयज को समझ में नहीं आया. एम्प्लॉयज उस सेंटेंस को लेकर ट्रांसलेटर्स के पास पहुंचे. अगर ट्रांसलेटर ने उस मैसेज को या फिर उस सेंटेंस को समझाने में गलती कर दी, अब वहां पर फॉल्ट कर दिया, तो जो रियल इंटेंट ऑफ द मैसेज था तो वो वहीं पर खो गया. गलती किसकी थी, ट्रांसलेटर की. मिस इंटरप्रेट किसने किया, एम्प्लॉयज ने. तो ऐसे बैरियर्स को बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स. नेक्स्ट इज अनक्लेरिफाइड एग्जम्पशंस. कभी कभार क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर्स कुछ बोलते हैं और एम्प्लॉयज कुछ और समझ लेते हैं. कभी कभार नहीं, ये अक्सर ही होता है. जैसे कि बॉस ने बोला सबऑर्डिनेट को कि टेक केयर ऑफ द गुड्स. अब यहाँ पर मैनेजर का क्या मतलब था कि भाई जो आपका गुड है उसकी क्वालिटी पर ध्यान दो, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने तो कुछ और सोचा. उन्हें लगा कि बॉस बोल रहे हैं कि भैया गुड्स को बड़े आराम से रखो, बड़े प्यार से रखो. ठीक है, तो ऐसी मिस इंटरप्रिटेशंस को भी हम लोग सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर ही कैटेगराइज करते हैं. नेक्स्ट इज टेक्निकल जर्गन. ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में लेक्चर्स देने के लिए बाहर से स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को बुलाया जाता है. अब अगर वो स्पेशलाइज्ड पर्सन ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं, ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज कर देते हैं जो उनके लिए तो कॉमन होता है लेकिन एम्प्लॉयज के लिए नया होता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक मैनेजर ने बोला टुडे देयर इज अ मीटिंग ऑफ अ व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज. इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनकी मीटिंग है, लेकिन जो नॉर्मल एम्प्लॉयज हैं वो क्या सोचेंगे, आज उन लोगों की मीटिंग है जो व्हाइट शर्ट्स वियर कर रहे हैं. तो हुआ क्या, यहाँ पर जो मैनेजर ने एक टेक्निकल वर्ड यूज किया उसी टेक्निकल वर्ड को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल जर्गन. नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग. कभी कभार क्या होता है कि मैनेजर की बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है और वो बोलना कुछ और चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, ये मैनेजर आया और आप लोगों को बड़े जोर से चिल्ला के बोला कि मैं आज एक जोक सुनाने वाला हूं. तो भैया जोक तो किसी के समझ में आने वाला है नहीं अगर इसी बॉडी लैंग्वेज में मैनेजर ने जोक सुनाया तो.
तो कभी कभार क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है और जो मुंह से बोल रहे होते हैं वो कुछ और हो जाते हैं। तो ऐसे सारे बैरियर्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी विच इज नोन एज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब होता है कि इमोशनल बैरियर्स, ऐसे भी बैरियर्स हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर इफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्राइटेंड पर्सन मे नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, सिमिलरली एन एंग्री पर्सन मे नॉट रिसीव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। एक डरा हुआ आदमी जिस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, उसी तरीके से गुस्से वाला आदमी कम्युनिकेशन रिसीव नहीं कर सकता अगर उसका माइंड रिलैक्स नहीं है तो। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग कम्युनिकेशन खत्म होने से पहले ही उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं, विच मीन्स डिराइविंग द रिजल्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बिफोर इट एंड्स। खत्म होने से पहले सोच ले कि भैया ये तो वही बात कहेगा, ठीक है। तो ऐसे बैरियर्स को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन। आपका ध्यान ही नहीं था, मैनेजर आया, मैनेजर ने अपनी बात कही, आपने भी अपनी मुंडी हिला दी, हाँ हाँ मुझे समझ आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो कि आपका ध्यान तो कहीं और था, तो आपको बात समझ में कैसे आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज लॉस बाई ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। कभी कभार बॉस क्या होता है कि आपको बोलते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन जाके अगले बंदे को पास करो, उससे इन्फॉर्मेशन लेकर फिर से मुझे बताओ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ट्रांसमिशन हुआ ना इन्फॉर्मेशन का, कभी कभार यहाँ पर लॉस हो जाता है, और हो सकता है कि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स टू वर्ड्स मैसेज याद करने में दिक्कत हो सकती हो। तो पुअर रिटेंशन की वजह से भी यहाँ पर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट। हो सकता है कि आपको सामने वाले इंसान पर भरोसा ही ना हो, तो यहाँ पर फिर कम्युनिकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो जो भी बोलता रहेगा आपको मानने नहीं है क्योंकि आपको सामने वाले पर भरोसा ही नहीं है। अगले बैरियर्स की बात करते हैं विच इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कभी कभार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन से ऐसे हैं कि लोअर लेवल वाले डायरेक्टली टॉप लेवल से बात नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते फिर चाहे जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों ना आ जाए। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर, अच्छा ये तो रह गया, फैक्टर्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स रेगुलेशंस मे एक्ट एज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पॉलिसी हो जिसकी वजह से लोअर लेवल का डायरेक्टली अपर लेवल से कम्युनिकेशन करना पॉसिबल ही ना हो। नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे ही हो कि वहां पर स्केलर चेन हो कि सबसे पहले इस पर जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी। हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में पेपर वर्क ज्यादा हो, कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट इज स्टेटस डिफरेंस। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभार ये हो जाता है कि जो टॉप लेवल पर बंदा बैठा हुआ है वो लोअर लेवल की बात पर भरोसा ही नहीं करता है, उसे लगता है यार मैं टॉप लेवल पर बैठा हूँ, ये क्या लोअर लेवल वाला मुझे सिखाएगा, ईगो आ जाता है। तो ऐसे स्टेटस डिफरेंस की वजह से बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि अगर एक बंदे से इन्फॉर्मेशन जानी है एक बंदे तक, तो बीच में बहुत सारे ऐसे लेबल्स हैं जिसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक वर्कमैन है, तो वर्कमैन पहले सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल प्रोडक्शन हेड को बताएगा, प्रोडक्शन हेड टॉप लेवल को बताएगा। तो अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होती है वो नमक मिर्ची वाली होती है। वर्कमैन ने सुपरवाइजर को कुछ और बोला, सुपरवाइजर ने मिडिल लेवल को कुछ और बोला, मिडिल लेवल ने प्रोडक्शन हेड को कुछ और बोला, और प्रोडक्शन हेड ने नमक मिर्च लगाकर टॉप लेवल को बोला। तो यहाँ पर नमक मिर्ची वाला काम हो जाता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी फैसिलिटी ना हो कि आप अपने कलीग से, आप अपने टॉप लेवल वालों से कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज होने की वजह से वहां पर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आ जाते हैं। क्लियर हो गया ना। इसके बाद आते हैं हमारे लास्ट बैरियर्स विच इज नोन एज पर्सनल बैरियर्स। कुछ ऐसे पर्सनल बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से अगेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाते हैं, लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन अ सबॉर्डिनेट। जो सुपीरियर है उसे सबॉर्डिनेट में बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर सुपीरियर को ये लगता है कि मैंने इसे ये बात बताई तो ये सबॉर्डिनेट बात जाके आउट कर देगा, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए फायदा हो सकता है या हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी एक पर्सनल बैरियर क्रिएट हो जाता है बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव्स ही नहीं है, इंसेंटिव्स का सीधी भाषा में मतलब होता है इनाम।
अगर सबॉर्डिनेट ने कुछ नया फॉर्मूला इजाद किया तो उस फॉर्मूले को बनाने के लिए उसे कुछ मिला ही नहीं, उसे ना कुछ शाबाशी मिली, ना कुछ उसे प्राइज दिया गया, ना कुछ उसका नाम हुआ, तो भैया वो क्यों करेगा। और इसी लैक ऑफ इंसेंटिव्स की वजह से यहाँ पर पर्सनल बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फियर ऑफ अथॉरिटी। कभी कभार क्या होता है कि सुपीरियर से कोई गलती हो जाती है और सुपीरियर ये सोचता है कि अगर मैंने अपनी गलती अपने सबॉर्डिनेट्स को बता दी तो मेरी जो अथॉरिटी है इनके ऊपर, मेरी अथॉरिटी खो सकती है। यहाँ पे बोल सकते हैं जो सुपीरियर का हक होता है ना सबॉर्डिनेट के ऊपर, वो उसका हक खो सकता है और इसी फियर ऑफ अथॉरिटी की वजह से हो सकता है वहां पर पर्सनल बैरियर्स क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सुपीरियर कुछ बोलना चाहता है लेकिन सबॉर्डिनेट ही कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। कभी कभार तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि सुपीरियर्स तो बोलते रहते हैं अरे सुनो सुनो सुनो, लेकिन सबॉर्डिनेट को सुनना ही नहीं है, तो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट की वजह से भी पर्सनल बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।